अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा देते हैं, लेकिन कई प्रोजेक्ट लोगों की गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर देते हैं। एक ऐसा ही मामला चुरू में नजर आया है, देखिए इस रिपोर्ट को। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो। जब आम आदमी के इसी सपने को पूरा करने में सरकारों का सहयोग मिल जाता है तो सपनों का आशियाना भी लोगों को सस्ते दाम पर और आसानी से मिल जाता है। लेकिन कई बार कुछ योजनाएं सियासी उठापटक के बीच फंसकर या तो दम तोड़ देती हैं या ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। ठीक ऐसी ही एक आवासीय योजना 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से शुरू की गई थी, लेकिन अभी भी लोगों को उनका आशियाना नहीं मिल पाया है। लोगों की 15 किस्तें इसमें जमा हो गई है, लोग मकानों के लिए तरस रहे हैं और सर नगर परिषद और जिला प्रशासन की नाकामी के चलते ये योजना फेल होने के कंगार पर आ गई है। दरअसल चूरू जिला मुख्यालय पर सहभागिता योजना के तहत पार्थ सिटी का शिलान्यास हुआ था। पार्थ सिटी में 352 मकान सहभागिता योजना के तहत लोगों को मिलने थे। नगर परिषद ने इसकी लॉटरी भी निकलवाई और 334 मकान लोगों को आवंटित कर दिए गए। 18 भूखंडों की नीलामी भी नगर परिषद ने कर दी जिन लोगों की इन मकानों के लिए लॉटरी निकली थी, लेकिन लोगों को इसका कोई फायदा आज तक नहीं हुआ है। निर्धारित एजेंडे के अनुसार पार्थ सिटी का डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं चला, इसके कारण कुछ लोगों ने 2, किसी ने 5, किसी ने 10 किस्त जमा कराने के बाद जमा कराने की प्रक्रिया भी रोक दी और मामला दर्जूल में है। कहीं न कहीं सरकार के बीच, लाभार्थियों के बीच और इस योजना को चलाने वाली एजेंसी के बीच कम्युनिकेशन का अभाव रहा। आम लोगों ने किस्त जमा करना शुरू किया। कुल 24 किस्तें जमा होनी थी जिसमें से लोगों ने करीब 20 किस्तें जमा करवा दी। कुछ लोगों ने 15 किस्तें जमा करवाई। योजना 2015 तक पूरी होनी थी, लेकिन बदले सियासी निजाम ने योजना की रफ्तार को धीमा कर दिया। पार्थ सिटी बनाने का जिम्मा लेने वाली कंपनी का काम भी धीमा हो गया। अभी तक 10% मकान भी पूरे नहीं हो पाए हैं। निर्माण साइट पर मकानों का ढांचा खड़ा है तो चारों तरफ झाड़ियां उग चुकी हैं। दूर से देखने पर खंडहर नजर आता है। 6 साल हो गए मेरे को 2 लाख रुपए जमा करा दे और सरकार है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है उसकी तरफ में, और जो हमारे पैसे हैं वो एक तरफ से डूबे हुए लग रहे हैं। सरकार की जिस योजना से बिल्कुल काम धीमा चल रहा है और काम है वो कम से कम 1 साल और लगे, इतना काम बाकी पड़ा है। 6 साल से हमने पैसे जमा करा दिए, उसका ब्याज भी सरकार ने लिए। यही वजह है कि अब लोगों का रुझान भी इस प्रोजेक्ट से कम हो रहा है। लोगों में ये हताशा है कि जो योजना 2 साल में पूरी होनी थी जब वो 6 साल में सिरे नहीं चढ़ पाई तो आगे इसका क्या होगा। योजना के प्रति नगर परिषद भी गंभीर नजर नहीं आता, ना ही इस योजना में इस कॉलोनी का निर्माण करने वाली कंपनी गंभीर है। शेष नगर परिषद द्वारा इसको आमंत्रण की कार्रवाई की गई है। इसमें मेन समस्या ये आ रही है कि लोग समय पर किस्त जमा नहीं कर रहे, जब किस्त जमा नहीं होती तो उनको कंपनी को भुगतान नहीं कर सकते। इस समय प्रोसेस चल रहा है, उनको नोटिस जारी किए हैं और शीघ्र ही उनके सेकेंड नोटिस जारी करके कार्रवाई करेंगे और जैसे ही किस्तें आएगी ना वैसे ही वो उसको कंप्लीट करके देंगे। अभी 20वीं किस्त चल रही है, 24 किस्तें टोटल होनी है। फिलहाल पार्थ सिटी आवासीय प्रोजेक्ट खटाई में नजर आता है, लेकिन सवाल तो लोगों की गाढ़ी कमाई का है जिसे एक अदद आशियाने की चाहत में लोगों ने इस प्रोजेक्ट में लगा दिया। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये प्रोजेक्ट कुछ रफ्तार पकड़ता भी है या नहीं। नरेंद्र राठौड़, जी मीडिया, चूरू।